हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन एट योर होम्स। आज मैं आप सबके साथ विंटर सीजन की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी पंजरी के लड्डू शेयर कर रही हूँ। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पंजरी के लड्डू मोस्टली विंटर्स में बनाए जाते हैं, लेकिन आप इसे विंटर के अलावा बाकी सीजन पे भी बना के यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स और या फिर जो भी नट्स इसमें यूज़ किए गए हैं वो हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। और इम्यूनिटी तो हर सीज़न में ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप काजू ले लिया है, 1 कप बादाम लिए हुए हैं और 2 कप ये मखाना लिया हुआ है और 1 कप किशमिश ली है और 1 कप मैंने यहाँ पे गोंद लिया है। और इसी के साथ ले लिया है ये 1/4 कप मस्कमेलन सीड हैं और 1/4 कप जो है ये पिस्ता है, ये मैंने छोटे पीसेस में काट के रख लिए हैं। और 1/2 कप ये अलसी है यानी फ्लैक्स सीड्स हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जो है रोस्ट कर लेंगे। और ये सिर्फ विंटर में नहीं, ये आप लड्डू या फिर इन चीज़ों से आप इन नट्स से जो रेडी कर सकते हैं, आप विंटर्स के अलावा भी इन्हें अपने डाइट में आप ज़रूर इनको इंक्लूड करें। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में 2 स्पून मैंने घी ऐड कर लिया था। और जो भी हमने नट्स जो है इसमें यूज़ करने हैं उन्हें हम थोड़ी देर इसमें रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको रफली ग्राइंड करके जो है लड्डू में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से इसको रोस्ट कर लेते हैं तो इसका थोड़ा अच्छा फ्लेवर जो है चेंज हो जाता है और खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं या टेस्टी लगते हैं। तो उसी के उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ये एडिबल गम है, गोंद है, ये बोन के लिए बहुत हेल्दी होता है, बोन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी पेन को भी ये काफ़ी रिड्यूस करता है। तो पहले मैंने काजू और बादाम जो है रोस्ट करके निकाल लिए थे, उसके बाद जो है गोंद को हम इस तरह से इसको भी इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये फूल के इस तरह से बन जाता है, काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें आने लगती है और ये खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप एक लड्डू जो है एक ग्लास मिल्क के साथ अगर आप ले लें इसका, तो आप जो है आप सोचिए कि आपका एक बार का जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, उतनी इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन इस लड्डू में होते हैं। तो ये भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। और इसके बाद इसमें हम रोस्ट कर लेंगे मखाने यानी लोटस सीड्स। इनको भी हम जो है लाइट ब्राउन होने तक इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। अभी रोस्ट हो गए हैं, इसे भी मैं निकाल देती हूँ। और लास्ट में हम रोस्ट करेंगे फ्लैक्स सीड्स, मस्कमेलन सीड और पिस्टेचियो। तो अब इन सब चीज़ों को हम एक मिक्सर जार में रफली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को 1 बाय 1 रफली ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये पंजरी रेडी है। हमें इसका एकदम पाउडर नहीं बनाना है, हमको रफली ही से ग्राइंड करना है। यहाँ पे मैंने एक फिर से एक पैन ले लिया है, उसी में ऐड कर लिया है 4 स्पून घी। जैसे घी गर्म होगा तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है 3 कप के करीब गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर। तो इसे हम ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे।
आप गेहूं और जो है सूजी, सूजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आधा गेहूं का आटा और आधा सूजी। तो ये देखिए 5 to 7 मिनट अब ये जो है बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है, भुन गया है और कलर भी इसका परफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे मैं जो है हाफ कप इसमें 1.5 कप जो है घी ऐड कर लेंगे यहाँ पर। पहले कम ही घी ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर लड्डू काफ़ी जो है हैवी हो जाते हैं, तो अगर घी कम हो जाए तो बाद में लड्डू बनाते वक्त भी हम जो है घी को मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो ये नट्स का जो रफली ग्राइंड किया हुआ था पाउडर वो इसमें रख लिया है और साथ ही में इसमें ऐड कर लिया है जो गेहूं के आटे का हमने लड्डू के लिए भून के बनाया हुआ था घी मिक्स करके, तो इसी में ऐड कर लेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो इन चीज़ों को मैंने सब मिक्स कर लिया है और अब इसी में ऐड कर लूँगी मैं 2 कप जो है ये पाउडर शुगर है, आप बूरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उन सब को बहुत अच्छे से हम हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से छोटे बड़े आप जिस शेप में भी लड्डू बनाना चाहें तो आप इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो रही है क्योंकि घी हमने 1.5 कप यूज़ किया था तो इसके लिए वो परफेक्ट था। तो बन के रेडी हैं पंजीरी के लड्डू। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।